Good morning, students. Myself Ritu, and today I am here with the topic of human skull. As it is clearly visible in this diagram, students, this is the completely internal skeleton of our human skull. तो जब हम बच्चे अपने skeleton की बात करते हैं, we betterly know there are 206 bones inside our body. It means total हमारे body में कितनी skeleton system में कितनी bones आती हैं? 206. लेकिन ये भी हमें बच्चों पता है कि हमारी प्रेजेंटली एक अडल्टहुड में 206 है, बट स्टार्टिंग में दैट इज 300 बोन्स एंड इट इज गोइंग टू बी फ्यूज आउट टू मेक आउट द 206, राइट? ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टोटल हमारे अंदर एट द बोन टाइम देर आर 300 बोन्स, बट दे सम ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी फ्यूज एंड मेक आउट द कम्प्लीटली कंडेंस वन एंड फ्यूज आउट इट एंड दैट इज 206 bones. तो हमने क्या किया है, we distributed out these 206 bones into the completely according to their frame of the body, and that is towards the center and that's toward the side one. तो center में अगर हम बात करते हैं students, तो हम उनको बोलते हैं axial skeleton. तो axial skeleton जब हम bones की बात करते हैं, तो regarding this one, axial में हमारी आती है, axial में center, there are total 80 bones, right? एंड अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर मीन्स साइड में, ठीक है? तो हमारी जहाँ पे लिम्स एंड ऑल गर्डल्स आती है, तो देर आर वट आर दन देर आर 126 वन. तो रिमेंबर दिस थिंग, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी 206 हड्डियों को हमने क्या किया है, सेंटर और हमारे कंप्लीटली साइड के अकॉर्डिंग जहाँ पे लिम्स एंड गर्डल्स रहेंगे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है? चलिए, जब इनकी बात करते हैं रिगार्डिंग दिस एक्सियल स्केलेटन, स्टूडेंट्स, एक्सियल का मतलब सेंटर में, तो एक्सियल स्केलेटन की हम बात करते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट में आता है स्टूडेंट स्कल. सबसे ऊपर की तरफ हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएगा स्टूडेंट स्कल. तो हमारा स्कल क्या है, सबसे टॉप मोस्ट का अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम का, जिसको हमने स्कल बोला है. तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस वन इन आवर टूडे लेक्चर. स्कल का हमने बात की है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि स्कल हमारा क्या है, सबसे टॉप मोस्ट का पार्ट है. और अब हम बोन्स के बारे में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस डायग्राम, हाउ मेनी बोन्स इट कंटेन्स. तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर, हमारे इस पूरे स्केल्टन के अंदर अगर बात करते हैं, मीन स्कल के स्केल्टन के अंदर हम बात करते हैं, तो देर आर टोटल 29 बोन्स. तो रिमेम्बर दिस वन, तो टोटल हमारे स्कल के अंदर तो 22 रहेगी, लेकिन एक पूरे स्केल्टन की बात करें हमारे स्कल की, तो उसमें 29 आती है. तो स्कल बोन्स आर, रिमेम्बर दिस थिंग, स्कल बोन्स आर 22, बट वी डिस्कस अबाउट द स्कल स्केल्टन, दैट इज 29. हाउ दीज बोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट्स गो थ्रू इट, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपने बॉडी की, अपने स्केल्टन की बात करते हैं, हमारे स्कल के स्केल्टन की बात करते हैं. तो हमारे स्कल के स्केल्टन को हमने दो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज द फ्रंटल एज वेल एज द बैकवर्ड, ठीक है? तो फ्रंट की तरफ हमारा क्या आता है, हमारी फेसियल बोन्स आती है. इट मीन्स एट द फ्रंट साइड ऑफ आवर स्कल स्केल्टन फेसियल बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है? एंड देर आर टोटल 14 बोन्स. तो रिमेम्बर दिस थिंग, तो हमारे सामने की तरफ कितनी होती है, टोटल 14 बोन्स होती है, दे आर नोन एज द फेशियल बोन. एंड फ्रॉम द बैकवर्ड, फ्रॉम योर फ्रंटल बोन्स टू योर कम्प्लीटली ओसिपिटल बोन, कम्प्लीट हमारे यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे सॉरी आपके एथमोइड बोन से लेके स्टूडेंट्स, ठीक है, रिमेम्बर दिस वन, एथमोइड बोन्स, यहाँ से हमारा फ्रंटल जो क्या कहते हैं आप, स्कल वाला क्रेनियम स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दिस वन. तो यहाँ से आपके जस्ट आई से टॉप मोस्ट में हमारे बोन से यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा कम्प्लीटली हमारा ये क्रेनियम स्टार्ट हो जाता है. तो रिमेम्बर दिस थिंग, जो क्रेनियम होता है, उस क्रेनियम के अंदर कम्प्लीटली हमारी कितनी बोन्स रहने वाली है, देर आर टोटल 8 बोन्स. रिमेम्बर दिस थिंग, पूरा हमारा जो क्रेनियम है उसके अंदर टोटल आती है स्टूडेंट्स 8 बोन्स, ठीक है? एट द फ्रंटल साइड द फेस वन दैट कंटेन्स द फेशियल बोन्स एंड दे आर टोटल 14, ठीक है? रिमेम्बर दिस थिंग. इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमारे इसके अलावा और क्या रह गई है, मीन्स दीज आर टोटली अमंग द हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इट. तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या आती है, ईयर के पास भी बोन्स आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं. तो दीज आर टोटली 6 इन नंबर, ठीक है? 3 ऑन दिस साइड एंड 3 ऑन अनदर साइड.
तो ये हो गया। एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द यू शेप्ड बोन, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट हायोड बोन। तो ऑल दीज बोन्स कोलैबोरेटली मेक आउट द टोटल स्कल स्केलेटन एंड दैट इज 29 बोन्स। तो रिमेंबर दिस थिंग व्हाट आई एम सेड यू, कि हमारे टोटल स्कल के स्केलेटन के अंदर 29 बोन्स आती हैं, लेकिन खाली स्कल बोन्स की बात करें दे आर 22 इन नंबर। चलिए नाउ मूव टू द वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करती हूँ अबाउट द क्रेनियम वन। तो क्रेनियम में आपको सबसे पहले मैंने अभी बताया कि हमारे जस्ट आई से लेके बैक साइड तक, ठीक है, हमारे हिंड ब्रेन तक कम्प्लीटली वहां तक हमारे क्या है, पूरे हमारी क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट है। चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रंटल बोन, दिस फ्रंट साइड दैट कंटेन्स दिस बोन विच इज नोन एज फ्रंटल बोन एंड दैट इज सिंगल इन नंबर। तो रिमेम्बर दिस थिंग साइमल्टेनियसली एट हियर, कि हमारी फ्रंटल बोन खाली एक ही होती है जो कि आगे की तरफ टॉप मोस्ट में प्रेजेंट रहती है। चलिए अब आपको बैक साइड में दिखाई दे रहा है दैट इज पैरिटल बोन। पैरिटल के स्टूडेंट्स दो लोग रहते हैं, वन ऑन दिस साइड एंड अदर ऑन दिस साइड, इट मीन्स दीज आर टू इन नंबर। तो ये चीज आप साथ के साथ याद करते रहिए कि फ्रंटल बोन एक सेंटर में रहती है आगे की तरफ है, दैट इज सिंगल इन नंबर। बट पैरिटल बोन की बात करते हैं, दे आर द टू लोब्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वन ऑन दिस बोन ऑन दिस साइड एंड अदर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज आवर टेम्परल लोब बोन, ठीक है। तो टेम्परल बोन की अगर बात करें तो स्टूडेंट दीज आर प्रेजेंट नियर योर ईयर ड्रम्स, ठीक है, ईयर ओसिकल्स के पास। तो हम इस बोन की बात करते हैं तो टेम्परल बोन दैट इज ऑल्सो टू इन नंबर। तो साइमल्टेनियसली रिमेंबर दिस थिंग कि ये बोन भी हमारी दो है, वन ऑन दिस साइड एंड अदर ऑन अपोजिट साइड। नेक्स्ट वन इज ओसिपिटल बोन स्टूडेंट। ओसिपिटल बोन की बात करें तो ओसिपिटल बोन हमारा क्या आता है, बैक साइड में, जस्ट लाइक योर फ्रंटल बोन, जस्ट लाइक योर ओसिपिटल, दिस इज ऑन द फ्रंट साइड, दिस इज ऑन द बैक साइड, दैट इज ऑल्सो सिंगली इन नंबर। तो हमारा ओसिपिटल बोन भी क्या रहती है, खाली एक ही होती है, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, हमने अपने फ्रंट से लेके बैक वाले क्रेनियम तक डिस्ट्रीब्यूशन किया है बोन्स की। चलिए अकॉर्डिंग टू इट हमें दिखाई दे रहा है कि देर आर टोटल 6, लेकिन हमने बात की थी हमारे क्रेनियम में 8 बोन्स आती है, इट मीन्स कम्प्लीटली 2 मोर बोन्स आर देयर। तो आगे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट डेट इज नियर टू योर टेम्परल बोन अनदर वन लोब इज देयर ऑफ बोन डेट इज स्फीनोइड बोन एंड दैट इज द सिंगल वन। तो रिमेम्बर दिस वन कि हमारे टेम्परल बोन के पास एक और बोन आती है जिसका नाम होता है स्फीनोइड बोन, क्लियर। चलिए जस्ट उसके अगर आप नीचे आ जाते हो तो वहां पे आपको ईयर के आसपास भी क्या है, एक कम्प्लीटली बोन दिखाई देगी, दैट इज एथमोइड बोन एंड दैट इज ऑल्सो द सिंगल वन। रिमेम्बर दिस वन, दिस इज ऑल्सो सिंगल। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इट मे बी टू इन नंबर बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज ओनली द सिंगल वन दैट इज प्रेजेंट नियर योर कम्प्लीटली बोन एट द बैक साइड, डोर्सल साइड पे ये, ठीक है, नोट एट देयर। क्योंकि बच्चों को रहता है कि मैम ये आई के पास प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वी हैव द टू आईज, तो इट मीन्स दीज बोन्स आर ऑल्सो टू इन नंबर, बट रिमेंबर डेट इज ऑन द डोर्सल साइड, डेट्स वाई वी नेवर एक्सप्लेन आउट दिस थिंग, ठीक है। चलिए तो रिमेंबर इट, टोटल आपकी एथमोइड से लेके स्टूडेंट्स अप टू योर ओसिपिटल बोन्स देर आर टोटल 8 क्रेनियल बोन्स, ठीक है। हाउ दिस, अब स्टूडेंट्स कईयों को रहता है मैम ये व्हाट इज इट ओसिपिटल कोंडाइल दैट इज देयर, तो यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स ओसिपिटल कोंडाइल हमारा क्या है, वो पार्ट है जो हमारा क्या करता है, पीछे हमारे ओसिपिटल लोब्स थे उनको जोड़ने का, मीन्स हमारे कम्प्लीटली हिंड ब्रेन को जोड़ने वाला काम किया था, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, दैट इज द सर्चर पॉइंट, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर दीज बोन्स, दीज वन दैट इज योर क्रेनियल बोन, दे आर 18 नंबर। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट्स रिगार्डिंग वन हमारे फ्रंट साइड पे। तो हम मैंने आपको बताया कि हमारे फ्रंटल साइड पे हमारी क्या आती है, फेस आता है, तो दैट कंटेन्स दीज फेसियल बोन्स। तो फेसियल बोन्स दे आर टोटल 14 इन नंबर। चलिए वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्टार्टिंग में दैट इज द कम्प्लीट वन, योर लैक्रिमल बोन, ठीक है। तो लैक्रिमल बोन की अगर बात करते हैं तो ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, दोनों आईज के अंदर, जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, डेट इज टीयर वन ग्लैंड। तो यहाँ पे ये आपकी दोनों आंखों में क्या रहती है, लैक्रिमल बोन होती है, इट मीन्स दे आर टू इन नंबर, इट मीन्स अप टू हियर आवर फेशियल बोन इज गोइंग टू बी स्टार्ट। नेक्स्ट वन योर नेसल, ऑब्वियसली बात है डेट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द नोज, डेट मीन्स इट इज ऑल्सो टू इन नंबर, ठीक है।
देन लेटर ऑन यूर एट द कम्प्लीटली आपको आपके आई के नीचे भी क्या होता है, एक चिक के ऊपर जस्ट ऊपर भी एक बोन की फीलिंग आएगी, डेट इज योअर जाइगोमैटिक बोन. रिमेम्बर दिस वन. क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, कम्प्लीटली एक फेस की चिक पी को मेंटेन करती है. तो जाइगोमैटिक बोन की बात करें, दे आर ऑल्सो ट्विन मदर, मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड बिलो योर आई बोन. ठीक है. नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं, तो हमारे जो जॉज होते हैं उनके फ्रंट ऊपर की तरफ हमें पता ही है, डेट द फ्रंटल वन अपन अपर जॉ डेट कंटेन्स द मैक्सिलरी बोन. ठीक है. इट मीन्स डेट इज ऑल्सो टू इन नंबर. चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लोअर जॉ की तरफ. ये हम ऑलरेडी हम उसमें बात करते हैं अपने सेलेवरी ग्लैंड के दौरान में. ठीक है. वी ऑलरेडी रेड अबाउट इन इट, द सेलेवरी ग्लैंड इज मेड बाय दीज रिवन. ठीक है. एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग योर कम्प्लीटली रिगार्डिंग दीज जो लाइन. ठीक है. वी ऑलरेडी डिस्कस इट. चलिए नेक्स्ट वन हमारी आती है स्टूडेंट्स अबाउट दिस वन, लोअर जो की तरफ भी जिस पे हमारा क्या आता है, चिन आती है. तो वहां पे भी हमारी क्या होती है, बोन होती है, डेट इज नोन एज मैंडिबल एंड डेट इज सिंगल. क्योंकि वी बेटरली नो चिन की तरफ एक ही सिंगल बोन आती है, डेट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट. चलिए इसके अलावा मैक्सिमम स्टूडेंट को रहता है कि मैम देर आर टोटली वी डिस्कस अबाउट द 14 बोन्स, बट अकॉर्डिंग टू दीज डिस्ट्रीब्यूशन 6 7 9, देर आर टोटल 9 वन. इट मीन्स वी हैव द बेसिकली मोर वन बोन्स वी हैव टू रिक्वायर फॉर इट. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन कि हमारे इसके अलावा भी क्या है, काफी और बोन्स हैं, डेट इज नोन एज द वोमर बोन, डेट इज ऑल्सो प्रेजेंट नियर बाय दीज वन. ठीक है. तो यहाँ पे भी हमारी क्या रहती है, एक वोमर बोन रहती है, वो भी खाली सिंगल वन. सेम उसी तरीके से हेयर योर कम्प्लीटली जाइगोमैटिक बोन, अनदर वन बोन इज हेयर, डेट इज नोन एज योअर पैलेटाइन बोन. आई एम राइटिंग हेयर. एंड दे आर टू इन नंबर. ठीक है. तो हेयर कम्प्लीटली योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 फेशियल बोन्स आर हेयर. तो इट्स बेटर टू इट लर्न रिमेंबर फ्रॉम हेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैक्रिमन बोन, देन यूर नेजल बोन, एंड हेयर इट पैलेंटाइन बोन इज देयर, दैट इज ऑल्सो टू इन नंबर. जेन फ्रॉम यूर कम्प्लीटली नियर बाय यूर कम्प्लीटली ईयर, दैट इज जाइगोमैटिक बोन, दैट इज ऑल्सो टू इन नंबर. देन यूर वॉमर बोन, दैट सिंगल इन नंबर. एंड अपर जॉ दैट कंटेन्स द मैक्सिलर, दैट इज ऑल्सो टू इन नंबर. एंड लोअर यूर जो लाइन दैट कंटेन्स द सिंगल वन बोन, दैट नेम इज मैंडिबल. ठीक है. तो हेयर दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूर 14 फेशियल बोन. Among these 22 skull bones, another bones are also present inside our skull skeleton. That is your hyoid bone, and that is also single in number. So remember this one. This is U-shaped bone, students. Always the question arise. Which one is your U-shaped bone? That is your hyoid bone, and that is single in number. जो हमारी बिल्कुल क्या होती है, हमारे larynx के पास होती है, जिसको हम U-shaped bone बोलते हैं, जिसको hyoid bone कहा गया है. इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे क्या रहती है, ईयर ऑसिकल्स आते हैं. तो आई एम जस्ट राइटिंग एट हियर स्टूडेंट्स, दीज आर ईयर ऑसिकल्स. ठीक है. हमारी ईयर्स बोन को बोला, डेट इज योर मैलस, इनकस एंड स्टेपस. रिमेम्बर दीज नेम. ठीक है. तो ये चीजें भी है. एंड स्टेपस इज योर स्मॉलेस्ट वन बोन. ठीक है. तो हमारी क्या आती है, मैलस, इनकस एंड स्टेपस, एंड स्टेपिडस इज योर द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है. ये हमारी जो स्टेपस बोन होती है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी की पूरी पूरी बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन यही होती है. तो रिमेम्बर दीज वन, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ईयर ओसिकल्स. दीज आर द स्मॉलेस्ट वन बोन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर ईयर. ठीक है. दैट नेम इज मैलस, इनकस एंड स्टेपस. इट मीन्स थ्री ऑन दिस साइड एंड थ्री ऑन अनदर साइड. तो टोटल दे आर 6 इन नंबर. तो अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन द ह्यूमन स्कल स्केलेटन कंटेन्स द 29 बोन्स. तो एज आई मेंशन्ड यू कि हमारे स्कल स्केलेटन के अंदर कितनी आती है, देयर आर टोटल 29 बोन्स आर देयर, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इट ऑन द क्रेनियम साइड, ऑन द फेशियल साइड, ईयर ओसिकल्स एंड द हायर्ड बोन्स. तो स्टूडेंट्स दैट्स अ इम्पोर्टेंट वन पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स. So that's your human skeleton. Thank you, everyone.